केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की है। इसके लिए कोरोना महामारी बढ़ने का हवाला दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं, देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दे। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया बुधवार को देश में कोविड 19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। झारखंड के गिरिडीह स्थित समय शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम और खंडवा के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बंद बुलाया गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर वेकेशन पर यदि आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए मध्य प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है। पार्क के कोर जोन की ज्यादातर सीटें बुक हो चुकी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, कान्हा और बांधवगढ़ के कोर एरिया में नहीं घूम सकेंगे। हालांकि बफर जोन की बात करें तो यहां घूमने का मौका मिल सकता है, क्योंकि 21 से 31 दिसंबर के बीच अभी भी कई सीटें खाली हैं। नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिटी सिस्टम यानी नेफिस बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ ही पुरानी वारदातों के खुलासे में भी मदद करने लगा है। दरअसल इस वर्ष के 2022 में लागू हुए सिस्टम को अब आगर जिले में प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दिया गया है। जिले के 7,000 से ज्यादा सजायाफ्ता और पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों का रिकॉर्ड तैयार होने के साथ ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जिसमें बदमाशों ने अपनी जानकारी ही बदल दी थी। आगर पुलिस ने ऐसे 2 मामलों में जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच मदरसों और सरस्वती शिशु मंदिरों पर जंग तेज हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 3 दिन पहले प्रदेश में चल रहे मदरसों के सिलेबस की जांच कराने की बात कही तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भड़क गए। मसूद ने सरस्वती शिशु मंदिरों की जांच कराने की मांग करते हुए गृह मंत्री पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा दिया। मसूद के बयान पर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परवार ने जवाब दिया है। खंडवा के इतिहास में पहली बार मंगलवार को जिला कोर्ट ने दंगा भड़काने और जानलेवा हमले के मामले में एक साथ 40 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। हालांकि इनमें 2 बरी हो गए। देर रात तक दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई चलती रही। इसके लिए कोर्ट परिसर को ही अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में दोषियों का मेडिकल चेकअप भी हुआ। पिछले 8 साल से कोर्ट में मामला चल रहा था। कतर में 18 दिसंबर को संपन्न हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद फ्रांस के खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उन पर नस्लीय टिप्पणी भी की जा रही है। फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी चोपड़ा के साथ क्रिसमस वेकेशन मनाने न्यू जर्सी गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए वेकेशन की कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं। उन्होंने मालती के साथ सोशल मीडिया में कुछ फोटोज शेयर किए। फोटोज में वो मालती को क्रिसमस लाइट्स और डेकोरेशन दिखाती हुई नजर आ रही है। फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा, परफेक्ट विंटर डेज। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल विकी कौशल और कैटरीना कैफ अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में विकी ने एक इंटरव्यू के दौरान पत्नी कैटरीना के बारे में बात की है। बातचीत में उन्होंने कहा कि कैटरीना अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी जैसे चेहरों में से एक बन गई है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं।